बिजली की तार पर बैठने पर बर्ड्स को करंट क्यों नहीं लगता? क्या ये इसलिए कि वो नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? ऐसा नहीं है। इसे समझने के लिए आइए देखें कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है। एक कंडक्टर के माध्यम से करंट फ्लो होती है जिसके दोनों एंड्स पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इस मामले में ओवरहेड वायर्स हैं। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेजेस में डिफरेंस। जब कोई बर्ड ओवरहेड पावर लाइन पर बैठता है तो उसके दोनों पैर तार को छू रहे होते हैं। उसके शरीर से करंट फ्लो होने के लिए उसके पैरों के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन तार के किसी भी पॉइंट पर एंड्स को छोड़कर पोटेंशियल डिफरेंस एक समान होता है। इसका मतलब है कि बर्ड्स के दोनों पैरों के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट पावर लाइंस के माध्यम से फ्लो होती है और बर्ड्स के माध्यम से नहीं होती है, और इस तरह वे इलेक्ट्रिक्यूट होने से बचते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ओवरहेड पावर लाइंस को छूने पर इंसानों को करंट क्यों लगता है? उत्तर जानने के लिए पहला कमेंट पढ़ें।